नमस्कार, आज हम देखेंगे टू जीट का मल्टीप्लिकेशन विथ कंडीशन के साथ, वो भी ओनली 10 सेकेंड, मात्र 10 सेकेंड में हम लोग सीखते हैं आज का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो चलते हैं। हमारा उसमें कंडीशन क्या है? कंडीशन है 10th पोजीशन मस्ट बी इक्वल, 10वां अंक बराबर होना चाहिए, और फर्स्ट पोजीशन एड मस्ट बी 10, और फर्स्ट पोजीशन का जो है एड 10 होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए हम एक एग्जाम्पल लिए हैं 53 और 57। ठीक है, इसका 10th पोजीशन 5 5 है, तो हमारा फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, और फर्स्ट अंक है 3 और 7, तो दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो 10 हो जाता है, तो हमारा दोनों कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो रहा है। उसके लिए हम इसको बनाने के लिए 5 है, 5 के ऊपर एक अंक लेंगे 6, जो कि 5 के इमेडली ऊपर आता है, 5 के बाद 6 आता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 और 6 30 होता है, 30 ले लिए। उसी तरह 3 और 7 है फर्स्ट अंक, तो 3 और 7 को फर्स्ट अंक को मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो 53 57 का अंक निकाल लिए। चलिए बढ़ते हैं अगला एग्जांपल के साथ, जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं 55 इंटू 55। ठीक है, तो 55 5 के नेक्स्ट अंक आता है 6, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 30 30 लिख लेंगे। उसका फर्स्ट पोजिशन में जो है 5 5 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा। ठीक है, तो दोनों को हम लोग लिख दिए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं 31 इंटू 39। ठीक है, तो यहाँ पे 3 के बाद का अंक आता है, नेक्स्ट अंक क्या हो जाता है 3 का नेक्स्ट 4, तो 4 हम लिख लिए, और 4 और 3 हो जाता है 12 12 लिख लिए। फर्स्ट अंक 1 और 9 है, 1 और 9 को हम लोग लिखेंगे 09, क्योंकि हम लोग जब भी आंसर निकालेंगे 4 डिजिट में आंसर निकालेंगे, उसके लिए हम लोग लिखे 09। ठीक है, तो कितना आसान था। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 62 इंटू 68। ठीक है, ये भी हमारा 6 के बाद 10th पोजीशन में 6 है, 6 के बाद जो है इमीडिएटली अंक आता है 7, और 7 इंटू 6 हो जाता है 42, और फर्स्ट अंक जो है 8 है, 2 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर निकल गया 16, है ना, लाजवाब।